हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। एंड आज आपके सामने खड़ी है ऑल न्यू स्कॉर्पियो क्लासिक 2022 का टॉप मॉडल यानी कि S11 मॉडल। और अब तो भाई ये सेल पे भी आ चुकी है, मतलब कि डिलीवरीज इसकी ना बहुत ही जल्दी मिल रही हैं, क्योंकि जिसमें भाई इतना डाउनग्रेड करा है ना, मतलब अपग्रेड करते हैं न्यू कार को, ये भाई नीचे करी है। इसके ऊपर मैंने ना पहली वीडियो बना दी थी, बट जो आज वाली वीडियो है ना, ये होने वाली है कि भाई जैसे महिंद्रा कहते हैं रूरल एरिया को टारगेट करती है कार, ठीक है जी, कि हम ना थोड़ा उबड़ खाबड़ रास्ते में से चलाएंगे, प्रॉपर ऑफ रोडिंग तो भाई नहीं होगी। एंड मेन बात, अगर रोड खाली मिलगी ना, मैं इसकी ना टॉप स्पीड भी भाई चेक करूंगा। तो एक तरह से ना आज के व्लॉग में ना भाई केवल और केवल ना हम फन करने वाले हैं ऑल न्यू स्कॉर्पियो क्लासिक के साथ। एंड ये मैं आपको उतार के दिखा भी देता हूँ, ये देख सकते हैं आप क्लासिक S11। बट जो भी कहो यार, कार ना बहुत ही बढ़िया लगती है। और एक ना लास्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट आ रखा था कि भाई अगर रूरल एरिया को टारगेट करने के लिए महिंद्रा ने स्कॉर्पियो क्लासिक निकाली है तो इसमें 4x4 क्यों नहीं आता। भाई मजा आ गया कमेंट पढ़ के। तभी मैं कहता हूँ कि ना वीडियोस में ना कमेंट वगैरह करते रहा करो, अपने ओपिनियंस बताते रहा करो, ताकि अच्छे अच्छे पॉइंट भाई मुझे भी पता चले। बट स्टिल यार देखते हैं, जैसे ये है भाई रियर व्हील ड्राइव कार। अब उबड़ खाबड़ रास्ते में देखो मैं ला ही रखा हूँ, यही होता है भाई उबड़ खाबड़ रास्ता। और इसके अलावा बीच बीच में अब जो भी मिलता रहे, मतलब देखेंगे भाई चलाने में कैसी है कैसी नहीं, हाई स्पीड पे भी और जैसे कच्चे पक्के रास्तों पे भी। सो लेट्स गो इनसाइड। तो फाइनली भाई कार के अंदर आ चुके हैं और मस्ती कर रहे हैं कार का, थोड़ी बहुत चला के देख लिया। वैसे मैंने पहले भी चलाई थी, बट आज ना थोड़ा तगड़ा टेस्ट करेंगे। वैसे ना मैं आपको बताता हूँ, इसमें कोई ट्रैक्शन कंट्रोल का आपको ना बटन नहीं मिलता है जो स्कॉर्पियो में, और वैसे अब तो हर कार में ना मोस्टली मिल ही रहा है। इस प्राइस पॉइंट पे एक शोरूम आपको पड़ रही है ना 17 लाख, कोई इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह नहीं मिल रहा है। और ये देख लीजिए, ये है खाली रोड, ये मैंने कर दिया 1x पे। जैसे मैंने आपको कहा ट्रैक्शन भाई है नहीं, इसका आरपीएम देखते हैं कहाँ तक आता है, 3 तक इसका आरपीएम जाएगा। अब मैं करता हूँ, ये देखो भाई रियर व्हील ड्राइव है इसलिए ऐसा होता है। देखो झटका देखो कैसा आ रहा है रियर व्हील ड्राइव करके। सेकंड गियर पे 70, भाई साहब 100 ना लेट ही लग रही है। थर्ड गियर पे वही बात है, लग तो जाएगी बट आगे रोड खत्म हो जाएगी। बट 0 to 100 ना बहुत ही लेट लगेगी भाई, क्योंकि आपको पता ही है स्कॉर्पियो। एंड तो फिर भी जल्दी लगी थी, उसकी वीडियो मैंने बना रखी है आई बटन पे, आप वो भी देख सकते हैं। तो भाई अब ना एक और ट्राई कर रहा हूँ थोड़ी पीछे से, मैं देखते हैं इसकी भाई कैसी रहती है परफॉर्मेंस। और देखो आरपीएम जा रही है 3 तक। ओ यार रियर व्हील ड्राइव में जो स्टीयर आता है ना, गियर शिफ्ट तो प्रॉपर हो रहा है, ठीक है। तो तीसरा डाल दिया, 100 तो भाई लग जाएगी अब, पर ब्रेक मारनी पड़ेगी। आरपीएम देखो फुल, भाई साहब 100 लग गई पर ब्रेक मार रहा हूँ, और ब्रेक भाई बढ़िया है पहले से तो भाई ठीक, मतलब मैं एक पहले भी छोड़ो, मैं कहूँगा थार से बढ़िया भाई, मैं थार चलाता हूँ। बट यार नो डाउट भाई, इतनी छोटा कार है, भाग तो ठीक रही है। और रिवर्स कैमरा नहीं आया टॉप मॉडल में भी, इतनी महंगी कार है बताओ। एक्स शोरूम 15.49 है पर रिवर्स कैमरा नहीं है, वाई महिंद्रा वाई। चलो भाई अभी थोड़ी बहुत तो हमने तेज चला के देख ली, अब ना उबड़ खाबड़ रस्ते में चलते हैं, ठीक है भाई। चलो भाई आपकी कार है, बुरा तो नहीं मानोगे, कहीं भी ले जाऊं ना। चलो ठीक है, लेट्स गो टू उबड़ खाबड़ रास्ता, जिसे हम ऑफ रोड भी कह सकते हैं। लंकल लगा दे भैया की कार की, भैया पहली तरह कोई एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग वगैरह नहीं है ये, क्योंकि ना ये 4x4 नहीं आती आपकी स्कॉर्पियो क्लासिक। मैंने लाइफ इंश्योरेंस करवाई हुई है। लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस तो ओ यार रिच गाइस। ये देखो भाई ऐसा रास्ता है, ये कैमरे में ऐसे नहीं पता चलेगा, बट यही है यार रूरल एरियाज में ना इससे भी गंदे गंदे रास्ते होते हैं भाई, ठीक है। कहीं कहीं जगह, ये नहीं मैं कह रहा हर जगह, बट कहीं कहीं जगह बहुत गंदे गंदे भी होते हैं, उसके लिए देखो वही बात है। तो ये रियर व्हील ड्राइव ना, रियर व्हील ड्राइव को एडवांटेज कहीं ना कहीं तो मिलता ही है भाई, स्मूथली चल रही है ये। सेकंड गियर पे है यार, जो इसका गियर लीवर है ना ये वो भी चेंज कर दिया भाई, पहले आपको बताइए कैसे वाइब्रेट होता था, ये थार वाला दे दिया ना भाई। हाँ थार में भी भाई बिल्कुल वही है, लग्जरी फील्स। बट भाई जो अच्छी चीज नहीं है ना, जो इसकी इंजन पावर है वो कम कर दिया, थार वाली कर दिया 130 bhp, 300 nm ऑफ टॉर्क। इंजन वही है 2200 cc का जो आता है M-Hawk, बट कोई इसमें आपको पेट्रोल इंजन नहीं मिलता है, जैसे स्कॉर्पियो में आपको पेट्रोल इंजन भी मिल जाता है ना, वो सब इसमें आपको नहीं मिलता है। बट यार कितनी स्मूथली ये चढ़ चुकी है, मजेदार, इजीली भाई, इसके लिए बहुत इजी है। ऐसे नहीं यार इसकी ब्रांड वैल्यू है, इन्होंने एसी ऑन ऑफ करने का भी वो दिया हुआ यहाँ पे स्विच है, एक्सयू 700 में नहीं है ना। महिंद्रा भाई कुछ भी करती है, सही बता रहा हूँ मैं, गाड़ी में कुछ भी कुछ भी कुछ भी। ये भी जो पुराने पुराने पड़े होते हैं ना, उन्हें बस रिफर्बिश कर दिया, जैसे स्क्रीन देखो वो वाली है ही नहीं,
एप्पल कारप्ले वाली भाई देसी स्क्रीन है, बट ठीक है यार ये कार बिकेगी ही बिकेगी क्योंकि मेन बात स्कॉर्पियो से ना आपको इजीली मिल जाएगी, मतलब कि जल्दी मिल जाएगी, वेटिंग ऐसा जिसमें है नहीं क्योंकि सेमीकंडक्टर्स का जो मेन यूसेज थे ना वो इन्होंने हटा ही रखे हैं मेन बात, मतलब जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया स्क्रीन का, चाबी एक इसमें रिमोट है एक नॉर्मल है। भाई ये वाली रोड में ना मैं आया था कि भाई लंबी रोड है भगाऊंगा, मतलब दोपहर को ना रोड खाली होती है बट अब बहुत ही भीड़ है भाई, बहुत ज्यादा भीड़ है, कुत्तों से लेके आदमी भरे पड़े हैं, आदमी कम लेडीज ज्यादा, वही मतलब ह्यूमन बीइंग्स। अभी हाईवे पे एक हैरियर देखी मैंने और भैया ने, अनमोल भैया ने, भाई इतने बाहर आया हैरियर के, वही बात है हम तो आगे जाना था जल्दी थी काम से गए हुए थे, भाई बच गया बिना हेलमेट के जा रहा है तो हमने रोक ही नहीं कार, नहीं तो हैरियर की भी वीडियो बना देनी थी। भाई आ चुके हैं ट्राइडेंट पे, एक बार मीटिंग सी कर लें, घर घुर दिला दे भाई को फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो भाई अब ना मैं आपको मिलवाने वाला हूँ जो होते हैं ना स्कॉर्पियो के कट्टर फैन, जिन्हें स्कॉर्पियो एन से हेट है उन भाई से। अमित भाई क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया भाई। पहले भी भाई के पास ना S7 थी और अब चला रहे हैं स्कॉर्पियो क्लासिक, कैसा लग रहा है भाई? बहुत बढ़िया। अपना ना ऑनेस्ट ओपिनियन बताना आपको चेंज क्या लगा? चेंज बेसिकली मेरे को इसका थोड़ा सा कंफर्टेबल लगी सीट, अच्छा ऑनेस्ट, और जो इसका अंदर का जो इन्होंने इंटीरियर में चेंज किया हल्का सा जो कर्वी एंड ऑल, और जो आउटर लुक में DRL है दूर से अगर गाड़ी को देखो तो बहुत प्रीमियमनेस आती है, जैसे हमारे साहब यही कह रहे हैं एग्जैक्टली, तो वो चीजें काफी अच्छी लगी मेरे को। ड्राइव अभी करना स्टार्ट हुई है, लेट्स सी, और एक गियर लीवर भी आप बोल रहे थे मुझे, गियर लीवर जैसे इन्होंने चेंज कर थार का कर दिया, थार का लगा दिया, तो ये भी काफी चेंजेस अच्छे हैं। चलो एक बात बताओ, ऑडियंस ना मतलब कमेंट सेक्शन में बहुत चलता है स्कॉर्पियो एन, स्कॉर्पियो क्लासिक, आपको क्यों नहीं पसंद स्कॉर्पियो एन? स्कॉर्पियो एन बेसिकली यार वही सेम रैट चेस वाली चीज है, वो एक तरह से सारी गाड़ियां सेम सी बनी जा रही है उसकी बॉडी शेप की अगर मैं बात करूं, और अगर मैं इस स्कॉर्पियो की बात करूं कभी भी आप देखना अगर गाड़ी चलती है रोड पे तो रोड पे इसकी प्रेजेंस है वो तो इसकी ज्यादा अच्छी है और स्कॉर्पियन की नहीं है। दूसरी बात जो ड्राइव है इस पे आप कमांड करते हो एक तरह से, और अच्छा। उसमें वो थोड़ा सा आपको लाइक सेडान वाला हल्का सा फील कहीं ना कहीं आ ही जाता है, मतलब वही स्कॉर्पियन में बॉडी रोल नहीं है, इसमें बॉडी रोल है जैसे थोड़ा होता है, आपको बॉडी रोल पसंद है तो थोड़ा सी थोड़ा बल्कि लाइक आपको लगे कि हाँ कुछ चला रहे हो, वो चीज है। कंपनी तो बोल रही है उसको बिग डैडी SUV, हाँ स्कॉर्पियन को बोल रही है, साइज से मैटर नहीं करता मेरे भाई, जो ड्राइव है बेसिकली वो मैटर करती है। अच्छा चलो That what she said. चलो गाइस डार्क होगी बात, ये टॉपिक चेंज करते हैं। स्कॉर्पियो एन में ना फीचर ज्यादा मिलते हैं आपको, इसमें फीचर फूचर कम मिलते हैं, इसके बारे में अगर कोई गाड़ी ड्राइव करना पसंद करता है तो वो फीचर नहीं देखेगा, फीचर्स नहीं जी, फीचर्स ज्यादा तो Hyundai जाओ, सही बात है भाई, फीचर्स लेने हैं तो Hyundai Tucson, खराब तो नहीं होंगे फीचर्स। और दूसरी चीज अगर आपको ड्राइव का मजा लेना है और लॉन्ग ड्राइव पे जब आपने जाना है, हाईवे पे जाना है चाहे पहाड़ों में जाना है, तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट क्लासिक, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस क्लासिक का हमेशा, सॉरी आपने कितने टाइम रखी है स्कॉर्पियो? मैंने ऑलमोस्ट 4 साल रखी थी, एंड आई ड्रोव अराउंड 90,000 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, बट बात वही है जैसे स्कॉर्पियो में यार इंजन भी बड़ा है, मतलब कि पावरफुल है इंजन, तो इसमें इंजन भी अभी इन्होंने पावर कम कर दी, डी ट्यून कर दिया, 140 से 130 BHP आ गई, कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई। अच्छा मतलब वही बात है यार बहस करने की, यही चाहिए, यही यही पॉइंट यही है, जो स्कॉर्पियो क्लासिक लवर्स होते हैं ना उनको कितना भी बोल दो स्कॉर्पियन बढ़िया है, कुछ ना कुछ वो आ ही जाएगा, मतलब बहस वाला सिस्टम हो जाएगा। स्कॉर्पियो चल रही है और पुराने वाली चल रही है, बिल्कुल चल रही है, S10 आ रही है, पहले वही इवन नंबर पे आते हैं, अब उन्होंने 11 हो गया था टॉप, कि मेरे को कब ये वापस मिलेगी और मैं चलाना, आप लेने की सोच रहे हो ना, कब तक सोच रहे हो? अब बस जब बुकिंग्स इनकी लाइक मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, बस अब तो मिलनी स्टार्ट तो होगी बिल्कुल ही, अब मैं तो वो मतलब भैया से ऑफ कैमरा के आसपास, हाँ ऑफ कैमरा ना मैं यही बता रहा था, वो भी बेस मॉडल लो, टॉप मॉडल का कुछ फायदा नहीं है भाई, जो इन्होंने डिग्रेडेशन करी है ना अपग्रेडेशन के अलावा, ऑफ रोड ले ले, हाँ इधर लो, ये आ गए हैं भाई हम ऑफ रोड भी, ओहो पे थोड़ा सा और बम्पी अगर ये रोड आएगा जब स्कॉर्पियन लेके आना और इसको लेके आना, जो ड्राइव फील खुद को आएगा वो इस पे आएगा ना कि स्कॉर्पियन भी हम ला रखे हैं इधर, एक वीडियो डाल रखी है उसमें इतना झोल नहीं है ना, वो स्टेबल ऐसे राम राम से चल जाती है। हम लोग विली जीप वाले हैं भाई, वही मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि यार जो मतलब रूरल एरिया मतलब समझो थोड़े देसी बंदे तो मतलब उन्हें यही पसंद है भाई ऐसे झूलना, जैसे मेरे पास थार है भाई उसका भी यही सीन है, वो भी ऐसे ऐसे जाती है, स्कॉर्पियो क्लासिक लवर्स के साथ भाई बहस मत करो। बेसिकली अगर एक शॉर्ट फॉर्म दिया जाए शहरी लोगों के लिए स्कॉर्पियो SN, और हम जैसे देसियों के लिए स्कॉर्पियो क्लासिक, ये महिंद्रा भी यही कहता है कि भाई रूरल एरिया को हम ये टारगेट कर रहे हैं, बट रूरल एरिया को महिंद्रा टारगेट कर रहा है ठीक है, बट 4x4 का ऑप्शन नहीं दिया इसमें, बताओ
जरूरत है नहीं हिमाचल में था तो जब मैं नई नई स्कॉर्पियो ली थी मेरी S7 थी उसमें वो तो था नहीं 4x4 तो खड होती है वहाँ पर अगर आप जाने खड समझते हो जैसे ये नीचे बना हुआ ना पानी वाला पानी जब पानी नहीं रहता तो पत्थर ही होते हैं वहाँ पर तो हम लोग वहां से निकले और मेरी गाड़ी फंस गई थी हालांकि मेरे को काफी टेंशन हो गई थी भाई निकले ही कैसे बट उसमें इतनी पावर थी टू व्हील ही थी बिकॉज ये रियर व्हील ड्राइव होती है रियर व्हील ड्राइव का ये फायदा रहता है कि आपको इतना थोड़ी सी मशक्कत हुई मुझे बट मैं आराम से इजिली निकाल गया था तो मेरे को 4x4 का इतना कभी फील हुआ नहीं वही बात आ जाती है यार भैंसों मत तो मतलब पर मैं वही हूँ भाई मुझे कंटेंट निकालने में भैंसूंगा भाई सही बात है हम तो रियलिटी बता रहे हैं जो है पर्सन टू पर्सन है यार हम मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको क्लासिक लेनी है एन ही लेनी है अब जैसे भैया हैं इनको लेनी ही क्लासिक है बहुत सारे लोग होंगे जिनको लेनी ही स्कॉर्पियो एन है क्योंकि आपको ही पता है भाई इसमें सेफ्टी भाई जीरो है स्कॉर्पियो एन में सेफ्टी भाई फाइव स्टार है बात वही है ना फिर बात वही आ जाएगी अब भैया बोलेंगे भाई रियर मैन वो वाली बात आ जाती है रियल मैन सेफ्टी नहीं देखते मतलब वही बहसने वाली चीजें दो एयर बैग है बहुत है स्कॉर्पियन में 6 क्यों दिया मुझे नहीं समझ आया 6 इसलिए दिया था कि पीछे वाले भी सेफ रहे बट ड्राइवर ढंग का हो तो सेफ्टी अपने बनी रहती है ये तो है भाई पर बात वही है ना सामने वाला ढंग का ना मिले कभी आपको देखो वो किस्मत पे जब लिखा है तो हो वो तो है तो आप कुछ कर नहीं सकते बिल्कुल बिल्कुल ये तो है भाई बिल्कुल स्कॉर्पियन पे इतना पैसा ना लगाओ चुपचाप से स्कॉर्पियो लो और अपनी टोरा बना के चलो बट वही अब मैं एक और बार आर्ग्यूमेंट के लिए बोल देता हूँ स्कॉर्पियो एन का जो बेस मॉडल है वो भी 11-12 से स्टार्ट हो जाता है ठीक है तो बेस मॉडल लेना क्यों है वही बात है ना चक्कर भाई बट जो भी कहो महिंद्रा ने गेम खेल ली है गेम तो खेली है एक और चीज भी है अगर आप स्कॉर्पियो लेते हो ना तो उसी शेप के अंदर सेम वैसी शेप के अंदर वैसी पावर के अंदर और भी 4-5 ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं इस शेप का अभी तक नहीं है और आज तो आज के डेट में अगर मैं वैसे बात करूं अगर आज के डेट में बात करूं तो जब 2000 में लॉन्च हुई थी 2003 में इन्होंने लॉन्च किया था स्कॉर्पियो को आज तक इसकी बेसिकली बॉडी बिल्कुल भी चेंज नहीं किया था बॉडी लिफ्ट नहीं आया था ना चेंज नहीं हुआ था उसका रीजन है क्योंकि आज भी लोग इसको पसंद करते हैं भाई ये लेगेसी है सो बात की एक बात महिंद्रा जो भी चढ़ी है ना आसमान पे वो इसकी वजह से चढ़ी है और किसी की वजह से नहीं चढ़ी है अब जो महिंद्रा कस्टमर्स का नजायज फायदा उठा रही है ना जैसे इसमें से इतने सारे फीचर्स वगैरह हटा दिया नो डाउट 3,13,000 प्राइस भी प्राइस कम कर रही है वही बात है अगर ये होता कि 18 का मिल रहा है और फीचर्स में फिर तो शायद क्वेश्चनेबल होता और अगर फीचर्स में से प्राइस भी कम किया तो इट्स परफेक्ट भाई मतलब लेके ही मानेंगे चलो बढ़िया है भाई ले जल्दी से फिर मैंने तो टैगलाइन भी सोची हुई है क्या घर पे जब लेके जाऊंगा तो मम्मा को यही बोलूंगा मम्मा हमारी स्कॉर्पियो वापिस आ गई ओ भाई सही में ये तो है आंटी भी कहेंगे बेटा सुंदर ज्यादा लग रही है सही है यार सही है बढ़िया अभी ना मैं आपको एक अमेजिंग फीचर दिखाता हूँ जैसे ना कार मैंने लॉक कर दी है और शीशा देखो अपने आप ऊपर आ जाएगा अगर आप बाई चांस भूल जाते हो ना कि शीशा आपका डाउन ही रह गया तो ये बढ़िया फीचर है मतलब और अब हम निकल चुके हैं वापस घर की और मजा आया भाई आज चलाने में भाई अभी ना हम इसमें गाने सुन रहे थे अगर आपको भी भाई इसकी साउंड क्वालिटी टेस्ट करनी है तो इंस्टाग्राम आईडी आपको दिख रही होगी आप उधर फॉलो कर सकते हैं उधर ना एक पंजाबी गाने की ना स्टोरी डाल दूंगा भाई तो आप सुन लेना मतलब अकॉर्डिंग टू मी तो यार अच्छे नहीं है स्पीकर बाकी तो आप इंस्टाग्राम पे सुन लेना बताना भाई कैसे हैं कैसे नहीं एंड यार फिलहाल तो इस वीडियो को ना मैं कंक्लूड करता हूँ मेनली तो ना इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको ये दिखाना था कि भाई ये हाई स्पीड पे कैसी चलती है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया उसके बाद ऑफ रोड पे भी दिखा देगी कैसी चल रही है और बोनस तो वही मिल गया कि भाई जो स्कॉर्पियो क्लासिक के आज हमें एक फैन मिल गए थे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई आपको स्कॉर्पियो क्लासिक भाई कैसी लगती है कैसी नहीं एंड अगर रोड वगैरह और अच्छी होती ना भाई ये इजीली मैं 150 तो लगा देता बट आई नो भाई रिस्क तो रहता ही है आज ये मतलब अराउंड 120 लगी थी मेरे ख्याल से वो तो बाकी तो मैं वो ये एडिटिंग करते हुए देखूंगा भाई कितनी लगी कितनी नहीं बट यस 150 तक तो लगी जाती और उसके ऊपर अगर आप लगा रहे हो जो मैंने पुरानी वीडियोस में भी आपको एक वीडियो क्लिप दिखाई थी ना भाई ये पलटने का बहुत डर होता है अगर जरा सा आप ऐसे कर दो ना पलट देगी भाई ये मतलब वो वहम पड़ रखे माइंड में जो भी कह सकते हो आप बट ठीक है जो है भाई कार बढ़िया है एक नंबर है बेस मॉडल ले लो इसका अगर मैं होता मैं बेस मॉडल लेता मतलब बाकी तो कमेंट सेक्शन में आप बताना आप टॉप मॉडल प्रेफर करोगे ऑन रोड ये करीबन 17 लाख का हरियाणा में तो आपको पड़ेगा ही 17 लैक्स मतलब सतारा जो मैं बोल रहा हूँ भाई 17 लैक्स का ना आपको हरियाणा में तो पड़ेगा ही और जैसे केरल वगैरह हो गया उधर भाई RTO ज्यादा है तो उधर और महंगा पड़ेगा बताओ भाई वर्थ है या नहीं है वर्थ है इतने पैसे खर्चने इस पे नहीं मैं तो स्कॉर्पियो के साथ जाऊंगा स्कॉर्पियन भैया आप स्कॉर्पियो क्लासिक या स्कॉर्पियो एन अंडर 17 लैक्स मोटा मोटा स्कॉर्पियो एन पहले भाई मिला वो स्कॉर्पियो क्लासिक वो ये पर्सन टू पर्सन होता है भाई
मैं तो थार ही चूज करूंगा अभी भी। चलो आप सबको भाई फाइनली मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और भाई देखा जाए ना वैसे हमारी वरना बेस्ट है, बाय।